प्रिय विद्यार्थियों, माई सेल्फ डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में एक टॉपिक है गुट निरपेक्षता, जिसके बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। आज हम इसको पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व का दो गुट बट गए थे। एक गुट पूंजीवादी गुट हो गया था और दूसरा साम्यवादी गुट हो गया था, और इन दोनों गुटों ने शीत युद्ध को जन्म दे दिया था। पूंजीवादी गुट के जो समर्थक थे वो अमेरिकन देश थे, और साम्यवादी गुट में जो थे वो सोवियत संघ के देश थे। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया था कि धीरे धीरे जो विश्व था वो दो गुटों में बट गया, लेकिन इनमें इनके अलावा एक तीसरी दुनिया और थी, और वह तीसरी दुनिया के सामने अपने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे कौन से गुट में शामिल हों अथवा नहीं भी हों, क्योंकि जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो औपनिवेशिक राष्ट्र से जो स्वतंत्र हुए थे, वो वापस से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे गुटों से दूर रह करके एक अपनी स्वतंत्रता पर जोर दिया, और उन्होंने अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया। और इस निष्पक्षता के परिचय परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नई नीति, एक नया गुट बना जिसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। इस गुट निरपेक्षता में मुख्य रूप से जिन लोगों का साथ रहा, जिन लोगों का योगदान रहा, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। इसमें सर्वप्रथम मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर तथा युगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो ने का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1961 में गुट निरपेक्षता की नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उन्होंने जो मेन मोटो था उनका कि जो नव औपनिवेशिक जो राज्य हैं, जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, उनको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना था। और उनका कहना था कि जैसे जैसे इन ये गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही जो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब जहां तक गुट निरपेक्ष को हम डिफाइन करना चाहें, तो इसका जो शब्द है, गुट निरपेक्षता शब्द है, वो सर्वप्रथम लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया, लिस्का द्वारा। बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग नाम दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर, मार्शल टीटो ने भी स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की परिभाषा करते हुए कहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना, तथा जहां तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से नहीं देखना। फिर भी यदि आवश्यकता पड़े, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें दूसरे देशों के साथ कुछ ना कुछ संबंध बनाने हो, तो भी अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुट निरपेक्षता के लिए उन्होंने आवश्यक बताया। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ सरल शब्दों में यह माना जा सकता है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके हमेशा सही नीति का समर्थन करना। एक बात और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, इसका अर्थ है उचित और अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना। कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या गुट निरपेक्षता तटस्थता है, लेकिन वास्तव में गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, यह भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है, नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। तटस्थता शब्द का प्रयोग ज्यादातर युद्ध के दिनों में किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि किसी के बारे में आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, जिनसे आपका कोई भी संबंध नहीं हो। लेकिन अब जैसे जरूरत पड़ने पर हमें मालूम है, भारत ने चीन से भी युद्ध किया, पाकिस्तान से भी युद्ध किया, तो वह तटस्थ नहीं है, बल्कि वह एक गुट निरपेक्ष देश है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, क्योंकि ना तो वह किसी भी युद्ध में शामिल हुआ और ना ही उसे किसी सैनिक संगठन की सदस्यता प्राप्त है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। इसी तरह से अलगाववाद या पृथकतावाद नहीं है। अलगाववाद का अर्थ होता है कि आप दूसरे देश की समस्याओं से अपने आप को अलग रखना। जैसे कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस नीति का पालन करता था और अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन गुट निरपेक्षता का अर्थ अलगाववादी नहीं है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भी समस्याएं हैं उनमें भाग लेना है। जैसे कि भारत ने शीत युद्ध में किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र जागरूकता का परिचय दिया और उन्होंने दोनों गुटों में तनाव को कम करने की भी कोशिश की। तो निष्कर्ष रूप से हम ये मान सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता तथा अलगाववाद की नीति नहीं है। यह एक ऐसी नीति है जो सैनिक गुटों से दूर रहते हुए भी उनके काफी निकट है। अब प्रश्न उठता है कि गुट निरपेक्ष देश कौन है, मतलब क्या शर्तें हैं इनकी। तो गुट निरपेक्ष देश हैं, हम जो इसकी जो शर्तें हैं वो ये हैं, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता नहीं करता हो, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता हो, तथा जो उपनिवेश का विरोधी हो। इन सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा देश जो सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, वह गुट निरपेक्ष देश कहलाता है। क्लियर हो गया कि वह देश, वह राष्ट्र जो किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जो किसी भी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता नहीं करता हो, कोई सैनिक अड्डा बनाने की कोई अनुमति नहीं देता हो और जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वह एक गुट निरपेक्ष देश की विशेषताएं कही जा सकती हैं। या हमने एक गुट निरपेक्ष देश के बारे में पढ़ा कि गुट निरपेक्ष देश क्या है और उनके बारे में क्या-क्या शर्तें हैं। तो अब हम इनके बारे में और भी क्लियर ये मान सकते हैं, विशेषताओं के बारे में बात करें तो गुट निरपेक्ष क्या है कि सभी प्रकार की सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा संधियां, गठबंधन, किसी भी तरह के गठबंधन का विरोधी है। और गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो शीत युद्ध के दौरान जो भी संधियां की गई, जिसमें सीटो है, नाटो है, वारसा है, इन सब पैक्ट का विरोध किया गया। जो भी देश गुट निरपेक्ष देश की नीति में शामिल होता है उसका अर्थ है कि वह सैनिक गठबंधन, साम्राज्यवाद, युद्ध या नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं और ये शीत युद्ध या अन्य तनावों को जन्म नहीं देते हैं। इनके कारण शांति भंग होती है, अतः गुट निरपेक्ष देश इन सब से दूर रहने में ही अपना विरोध जताते हैं, अर्थात किसी प्रकार की संधियों को समझौता नहीं करना,
किसी तरह के नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देना, सैनिक संगठन नहीं बनाना, इन जिन सब तत्वों से विश्व की शांति भंग होती है, उनसे दूर रहना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता युद्ध के तनावों को भी दूर करने का बात करती है। उनका मानना है कि युद्ध कम से कम होने चाहिए। गुट निरपेक्ष देश स्वतंत्र विदेश नीति के पालन करने में विश्वास करते हैं। और ये बात और आप समझ लीजिए कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि ये एक सह अस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति है। और गुट निरपेक्ष देश दूसरे देशों से किसी भी प्रकार के लाभ उठाने के पक्ष में नहीं होती है। यह अपने जैसे ही दूसरे देशों की हमेशा मदद करने को तत्पर रहती है। तो इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि गुट निरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करने, उनका समाधान करने का प्रयास, विश्व शांति की स्थापना करने में ही गुट निरपेक्षता अपनी सार्थक नीति बनाने का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि जो नए देश स्वतंत्र हुए हैं वो दूसरे देशों को के साथ किसी भी तरह के चंगुल में आ जाएं या उनका वापस से वो उपनिवेश बन जाएं। गुट निरपेक्ष देशों का ये मानना था कि उन्हें इस मंच पर आकर सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि वो सब एक दूसरे के जैसे ही हैं। जो नए नए स्वतंत्र देश हुए हैं वो सब एक दूसरे के साथ हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको गुट निरपेक्ष देशों के बारे में पढ़ाया बताया कि क्या गुट निरपेक्षता है और किस तरह के जो देश हैं वो गुट निरपेक्ष देशों के समर्थक हैं, और गुट निरपेक्षता की जो मूल नीति है वह सह अस्तित्व की सहयोग की नीति है। आगे के वीडियो में हम इसके अन्य तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।